हेलो एवरीवन, दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गांव की हाउसवाइफ में। फ्रेंड्स, आज मैं रीयूज़ करने वाली हूँ पुराने ब्लाउज़ की, जिसकी बाजू यहाँ पे देखिए नेट की है। तो इस तरह से सबसे पहले हम इसकी बाजू को यहाँ से कट करके निकाल लेते हैं। आज मैं इसे बहुत ही सुंदर चीज़ बनाने वाली हूँ, इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर जो सिला हुआ पार्ट है, इसे हम उल्टा करके और सिलाई को खोल देंगे। इसी तरह से दोनों स्लिप्स का देखिए यहाँ पे मैंने खोल दिया है, और इसकी लेस को भी देखिए मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। अब हम इसे इस तरह से सीधा कर लेते हैं। अब देखिए, इस तरह से सेट करने के बाद जो भी साइड में एक्स्ट्रा है हम उसे कट कर देंगे। देखिए, इस तरह से दो पीस मेरा रेडी हो गया। अब इसी के साइज़ का हम देखिए यहाँ पे नॉन वन और फोम लेंगे, और इसे इसके ऊपर इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें सेट करना है। इस तरह से नेट को यहाँ पे सेट करके हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हमें इसे क्विल्ट करना है। ये थोड़ा पतला होता है, इसलिए मैं दोनों को रख रही हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से हम क्विल्ट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने क्विल्ट कर लिया है। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा है हम इसे कट करके निकाल देंगे, तो ये फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी इसकी। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसकी जो लंबाई हो रही वो है 16 इंच, तो 1 इंच यहाँ पे हम छोड़ देंगे तो 15 इंच बचा। तो इस तरह से हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है 5-5 इंच का। तो देखिए, नीचे की साइड मैं यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ, और ऊपर 6 इंच बच जाएगा। तो इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे यहाँ पे, तो देखिए 5-5 इंच का हो जाएगा। ऊपर का पार्ट जो है 6 इंच का है। इसके लिए हम यहाँ पे देखिए एक पॉकेट बनाएंगे। तो पॉकेट के लिए यहाँ पे हम 10 इंच का एक और कपड़ा लेंगे, और इस तरह से फोल्ड करके हमें यहाँ पे सेट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम मार्क कर ले रहे हैं 5 इंच पे दोनों साइड, और यही मार्क जहाँ हमने किया है वहीं पे हमें सेट करना है। लेकिन पहले हम इसके दोनों साइड को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पे सिल के अटैच कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने दोनों साइड सिल दिया है। अब हम इसे इस तरह से डबल करेंगे, और यहाँ पे इस तरह से करके हम निशान लगा देंगे, और इस निशान को जहाँ पर मैंने मार्क किया है वहाँ पर देखिए सेट करना है। मैं पूरे पर देखिए मार्क कर दे रही हूँ। तो देखिए, इसको हमें इस तरह से सेट करना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, इस तरह से हमारा सेट हो गया। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये पॉकेट बन जाएगा, और साइड से हम सिलाई कर देंगे। तो देखिए, दोनों साइड से मैंने सिलाई कर दी है, तो ये हमारा 3 पॉकेट रेडी हो गया यहाँ पे। अब इस यहाँ पर हम पाइपिंग अटैच करेंगे, इसलिए मैंने ओपन छोड़ा है। तो देखिए, इस तरह से मैंने एक लेस ली है, इस लेस से मैं यहाँ पर पाइपिंग बनाऊँगी। तो देखिए, इस तरह से हमें फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई कर लेना है। तो देखिए, हमारा लेस अटैच हो गया, तो ये सुंदर सा पाइपिंग बन गया। अब साइड से जो एक्स्ट्रा लग रहा है हम उसे कट कर लेंगे। अब देखिए, लेस को इस तरह से फोल्ड करके और साइड में हमें पूरे यहाँ पे पर्स पे इस तरह से जो है पाइपिंग बना लेनी है। इस तरह से पूरे पे हम लेस को अटैच कर दिए हैं। देखिए, देख हमारा प्यारा सा पर्स रेडी हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैं वेलक्रो अटैच करूँगी, तो यहाँ पे देखिए दोनों पीस को इस तरह से हमें सेट कर लेना है और बराबर रख के सिलाई लगा देनी है, तो वेलक्रो हमारा सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें वेलक्रो को सेट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने दोनों वेलक्रो को अटैच कर दिया है। अब मैंने ली है एक डोरी, जो बच्चों के फ्रॉक वगैरह या फिर जींस में आ जाते हैं, तो उसे हम यहाँ पे इस तरह से देखिए रख के अटैच कर देंगे। या फिर जिस लेस की पाइपिंग बनाए हैं उसे भी देखिए इस तरह से फोल्ड करके इसका भी हम डोरी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों को यहाँ पे सिलाई करके अटैच कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से अटैच हो गया। अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, ये टॉप वगैरह में आते हैं, या फिर कोई साड़ी पिन है आपके पास, या फिर कोई सो बटन है तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं।
तो इसका लुक थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे अटैच कर लिया। आपके पास कोई भी सो बटन हो तो आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से 3 पॉकेट हमारा रेडी हुआ है। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग सामान रखकर इसे कहीं भी आने जाने के लिए यूज कर सकती हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसे ईजिली घर में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने कोई भी चीज़ बाहर से नहीं खरीदी है, जो भी मेरे घर में अवेलेबल था उसी से मैंने इसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नई और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।